अब खबर रतलाम से है, जहां दलित दूल्हे पर दबंगों ने हमला कर दिया। गांव में बारात निकालने पर दबंगों ने हमला किया है। आलोट थाना क्षेत्र के कंथारिया गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। दूल्हे सहित 7 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने 8 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। दलित दूल्हे पर दबंगों ने हमला कर दिया। गाँव में बारात निकालने पर दबंगों ने हमला किया है। मेरे सहयोगी सुशील खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, दलित दूल्हे पर दबंगों ने हमला किया है, क्या बदमाशों का अब तक पता चल पाया है और ये घटना कब की है? बिल्कुल, आपको बता दें रिशा, ये रात की घटना है। लगभग शाम को बारात निकल रही थी आलोट के, जो आलोट एरिया है उस क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में ये बारात का पूरा मामला है। वहाँ बारात निकल रही थी कथरिया गाँव है, जो कथरिया गांव में एक दलित समाज की बारात निकल रही थी। इसके बाद में जब एक राजपूत समाज के मोहल्ले से ये बारात निकली है, तो कुछ राजपूत समाज के जो उपद्रवी तत्व के लड़के हैं, कम उम्र के लड़के हैं, उन लोगों ने इन लोगों पर पत्थरबाजी की, कटाक्ष किए, इसका माहौल बिगड़ गया। माहौल बिगड़ने के बाद में थोड़ी वधु पक्ष के कुछ लोग हैं, जो लड़की के पिताजी हैं, चाचा हैं, वो लोग घायल हो गए। इसकी सूचना डायल 100 पर पुलिस आलोट थाने को दी गई। वहां से SDM, तहसीलदार और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ में आए हैं। उन्होंने उसकी बारात को बिनोली को निकलवाई है और 8 लोगों पर मुकदमा कायम किया है। फिलहाल इसमें कोई गंभीर घायल नहीं है। अब पूरी तरह से मामला शांत है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील हमें तमाम जानकारी देने के लिए।